पार्ट 19 रिसोर्स शेयरिंग एंड इंटरनेट कनेक्शन। प्रश्न एक, रिक्त स्थान प्रोग्राम अपने आप वेबसाइट से कनेक्ट हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके उन्हें लोकल ड्राइव पर सेव कर देते हैं। ऑप्शन आ वेब सर्वर, ऑप्शन बा वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटीज, ऑप्शन सा ऑफलाइन ब्राउजर, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बा वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटीज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दो, निम्न में से किस वेबसाइट का उपयोग कीवर्ड द्वारा अन्य वेबसाइट को सर्च करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आ सर्च इंजन, ऑप्शन बा सोशल नेटवर्क, ऑप्शन सा राउटर्स, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीन, http://www.c4learn.com URL में प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है। ऑप्शन आ डॉट कॉम, ऑप्शन बा www, ऑप्शन सा C4Learn, ऑप्शन द HTTP। आंसर ऑप्शन द HTTP। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चार, जब भी उपयोगकर्ता वेबसाइट खोलता है तो मुख्य पेज कहलाता है। ऑप्शन आ होम पेज, ऑप्शन बा बैक एंड पेज, ऑप्शन सा डेड एंड पेज, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पाँच, एक DNS क्लाइंट कहलाता है। ऑप्शन आ DNS अपडेटर, ऑप्शन बा DNS रिजोल्वर, ऑप्शन सा DNS हैंडलर, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा DNS रिजोल्वर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन छः, सर्वर अन्य डोमेन्स के लिए अनुरोधों को हैंडल करता है। ऑप्शन आ सीधे, ऑप्शन बा रिमोट DNS सर्वर से जुड़कर, ऑप्शन सा यह संभव नहीं है, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बा रिमोट DNS सर्वर से जुड़कर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सात, DNS डाटाबेस में निहित है। ऑप्शन आ सर्वर नाम के रिकॉर्ड तक, ऑप्शन वा होस्ट नेम से एड्रेस रिकॉर्ड्स तक, ऑप्शन सा होस्ट के फर्जी या उपनाम तक, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। यदि एक सर्वर के पास एक होस्ट का नाम पता लगाने के लिए कोई सुराग नहीं है तो, ऑप्शन आ सर्वर रूट सर्वर से पूछेगा, ऑप्शन बा
सर्वर के पास के सर्वर से पूछेगा। ऑप्शन स, अनुरोध संभव नहीं है। ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन आ, सर्वर रूट सर्वर से पूछेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9। एक डोमेन नाम का उपयोग करने के लिए जो कि डोमेन नेम रजिस्टर द्वारा दिया गया है, रिक्त स्थान द्वारा स्वीकृत होता है। ऑप्शन आ इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ऑप्शन ब इंटरनेट सोसाइटी, ऑप्शन स इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, ऑप्शन द नाम और नंबर देने वाली इंटरनेट कॉरपोरेशन। आंसर ऑप्शन द नाम और नंबर देने वाली इंटरनेट कॉरपोरेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10। डोमेन नेम सिस्टम DNS को एक क्रमबद्ध ट्री संरचना के रूप में चिन्हित किया जा सकता है जिसमें शीर्ष पर एक नोड और अधिकतम रिक्त स्थान हो सकते हैं। ऑप्शन आ 128 लेवल, ऑप्शन ब 129 लेवल, ऑप्शन स 130 लेवल, ऑप्शन द 131 लेवल। आंसर ऑप्शन आ 128 लेवल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। नाम शीर्ष पर नोड का डोमेन नाम है। ऑप्शन आ सब ट्री, ऑप्शन ब मेन ट्री, ऑप्शन स लास्ट ट्री, ऑप्शन द बॉटम ट्री। आंसर ऑप्शन आ सब ट्री। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। DNS क्लाइंट रिक्त स्थान को एड्रेस पास करने से पहले .jhda.edu. जोड़ते हैं। ऑप्शन आ DNS होस्ट, ऑप्शन ब DNS सर्वर, ऑप्शन स DNS लेवल, ऑप्शन द DNS प्राप्तकर्ता। आंसर ऑप्शन ब DNS सर्वर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। DNS में उपयोग होने वाले दो तरह के रिकॉर्ड्स हैं। ऑप्शन आ प्रश्न रिकॉर्ड, ऑप्शन ब उत्तर रिकॉर्ड, ऑप्शन स संसाधन रिकॉर्ड, ऑप्शन द आ तथा स दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द आ तथा स दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। DNS एक प्रोटोकॉल है जो विभिन्न रिक्त स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन आ सर्वर, ऑप्शन ब इंटरनेट, ऑप्शन स प्लेटफॉर्म, ऑप्शन द स्टेज। आंसर ऑप्शन द स्टेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। फायरवॉल निम्न में से क्या होती है? ऑप्शन अ एक स्थापित नेटवर्क निष्पादन रेफरेंस पॉइंट, ऑप्शन ब पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क को अलग रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, ऑप्शन स मैक्रोज को संक्रमित करने वाला एक वायरस, ऑप्शन द डाटा ट्रांसमिशन को
इनक्रप्ट और डिक्रप्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली पूर्व निर्धारित एनक्रप्शन कुंजी। आंसर ऑप्शन ब, पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क को अलग रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। DNS में इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कई कंप्यूटरों का बीच जानकारी वितरित करने वाला कहलाता है। ऑप्शन आ DNS होस्ट, ऑप्शन ब DNS सर्वर, ऑप्शन स DNS लेवल, ऑप्शन द DNS प्राप्तकर्ता। आंसर ऑप्शन ब DNS सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। DNS में पूरे ट्री का एक सटा हुआ हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन आ होस्ट, ऑप्शन ब सर्वर, ऑप्शन स डोमेन, ऑप्शन द जोन। आंसर ऑप्शन द जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। एक सर्वर जिसके जोन में पूरा ट्री शामिल है कहलाता है। ऑप्शन आ रूट सर्वर, ऑप्शन ब सब सर्वर, ऑप्शन स आईपी सर्वर, ऑप्शन द होस्ट सर्वर। आंसर ऑप्शन आ रूट सर्वर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19। एक DNS क्लाइंट या सर्वर प्रोग्राम एक रिक्त स्थान के IP एड्रेस का पता लगाने के लिए एक ईमेल प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन आ ईमेल सर्वर, ऑप्शन ब DNS सर्वर, ऑप्शन स ईमेल प्राप्तकर्ता, ऑप्शन द DNS प्राप्तकर्ता। आंसर ऑप्शन स ईमेल प्राप्तकर्ता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20। एक प्राथमिक सर्वर रिक्त स्थान से सभी जानकारी को लोड करता है। ऑप्शन आ IP फाइल, ऑप्शन ब डिस्क फाइल, ऑप्शन स होस्ट IP, ऑप्शन द होस्ट सर्वर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ब डिस्क फाइल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21। एक डोमेन नेम स्पेस में असक्त प्रत्यय नुल सुफिक्स परिभाषित करता है। ऑप्शन आ IP, ऑप्शन ब सर्वर, ऑप्शन स होस्ट, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22। बाहरी हमले से निजी नेटवर्क को बचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तंत्र निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन आ फायरवॉल, ऑप्शन ब एंटीवायरस, ऑप्शन स डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन द फॉर्मेटिंग। आंसर ऑप्शन आ फायरवॉल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23। डोमेन नेम को हमेशा पढ़ा जाता है। ऑप्शन आ नोड को रूट से, ऑप्शन ब किसी नोड से रूट, ऑप्शन स रूट से तल,
ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन आ, नोड को रूट से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एक डोमेन रिक्त स्थान का सब ट्री है। ऑप्शन आ डोमेन नेम स्पेस, ऑप्शन ब पी क्यू डी एन, ऑप्शन स एफ क्यू डी एन, ऑप्शन द डी एन एस। आंसर ऑप्शन आ डोमेन नेम स्पेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25। सिस्टम जिसमें नामों को शीर्ष पर रूट के साथ उल्टे ट्री की संरचना में परिभाषित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन आ नेम स्पेस, ऑप्शन ब डोमेन स्पेस, ऑप्शन स क्रमबद्ध नेम स्पेस, ऑप्शन द फ्लैट नेम स्पेस। आंसर ऑप्शन ब डोमेन नेम स्पेस, सॉरी डोमेन स्पेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ट्रेंड माइक्रो क्या है? ऑप्शन आ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ब केवल एक प्रोग्राम, ऑप्शन स वायरस प्रोग्राम, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन आ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27। वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है कहलाता है। ऑप्शन आ बूट वायरस, ऑप्शन ब मैक्रो वायरस, ऑप्शन स फाइल वायरस, ऑप्शन द एंटीवायरस। आंसर ऑप्शन ब मैक्रो वायरस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28। टाइम बम कब घटित होता है? ऑप्शन आ एक विशेष लॉजिक और डाटा के दौरान, ऑप्शन ब एक विशेष समय के दौरान, ऑप्शन स एक विशेष डाटा या समय के दौरान, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन स एक विशेष डाटा या समय के दौरान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29। इंटरनेट रिक्त स्थान का उदाहरण है। ऑप्शन आ सेल स्विच्ड नेटवर्क, ऑप्शन ब सर्किट स्विच्ड नेटवर्क, ऑप्शन स पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन स पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। फायरवॉल्स को रिक्त स्थान ब्लॉक करने के लिए अनुरूप बनाया जा सकता है। ऑप्शन आ यूडीपी ट्रैफिक, ऑप्शन ब टीसीपी ट्रैफिक, ऑप्शन स आ तथा व दोनों, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन आ यूडीपी ट्रैफिक। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ब्रॉडबैंड ISDN लगभग रिक्त स्थान का डाटा दर हैंडल करता है। ऑप्शन आ 64 kbps, ऑप्शन ब 100 mbps, ऑप्शन स 5.4 mbps, ऑप्शन द 2.048 mbps। आंसर ऑप्शन आ 64 kbps।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।